हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने यू जी सी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक क्या है आपका? कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स, जो कि पॉलिटिकल का सबसे फेमस टॉपिक है। तो कॉल सबसे पहले लेके चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते हैं, कार्ल मार्क्स के ऊपर लेके चलते हैं। कार्ल मार्क्स के ऊपर, यानी कि कार्ल मार्क्स आया कब? 1880 से लेकर 1883 तक का कॉन्सेप्ट है, 83 तक का, ठीक है। इसका जन्म कहाँ हुआ, यानी कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जन्म एक यहूदी परिवार में 5 मई 1880 को प्रशिया के ट्रियर नगर में हुआ, ठीक है था। फिर अब मार्क्सी विचारों को, यानी कि मार्क्सी विचारों का दार्शनिक आधार क्या था, यानी कि मार्क्स के विचारों का दार्शनिक आधार क्या था? मार्क्स ने, यानी कि मार्क्स ने क्या कहा, यानी कि हॉलबैक के भौतिकवादी विचारकों से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? यानी कि मार्क्स हॉलबैक के भौतिकवादी विचारों से प्रभावित था, या है, लिख लीजिए था तो अब तो मर गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हॉलबैक का यह विचार था कि मनुष्य के द्वारा ईश्वर का निर्माण होता है, यानी कि इसका क्या था? हॉलबैक का यह विचार था कि मनुष्य के द्वारा ईश्वर का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्या कहता है, यानी कि मार्क्स ने क्या कहा? हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन का विचार दिया है, यानी कि मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक तक दर्शन का विचार लिया है। क्या क्या लिया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट आता है, यानी मार्क्स के मूल्य विचार, यानी कि मार्क्स क्या है? मार्क्स अब लेके चलते हैं, मार्क्स के मूल विचार का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मार्क्स के मूल विचार का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अब मार्क्स के मूल विचार में क्या कहता है? मार्क्स ने पहली बार समाज को आर्थिक रूप से दो भाग, यानी कि दो क्या है, दो वर्गों में विभाजित किया है। किसने में क्या किया है? दो वर्गों में विभाजित किया है, यानी कि समाज को आर्थिक रूप में दो वर्गों, यानी कि वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है, ये कहना है इसका। और क्या कहना है? मार्क्सी सिद्धांतों का मूल आधार, यानी कि आर्थिक
निया यानी कि मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार आर्थिक नियतिवाद है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है। चलिए आगे क्या कहता है, मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया है। किसने क्या किया है, मार्क्स यानी कि मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया है। तो ये क्या है, एक तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्क्स के विचारों में मूल उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का विध्वंस करना है। ठीक है, तो ये जो है कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। युवा मार्क्स के विचार में क्या है, युवा यानी कि युवा अवस्था में मार्क्स ने क्या करा, तब ये भी लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, युवा अवस्था में मार्क्स ने राय नी राइनिस जे तुंग नामक पत्रिका का संपादन किया, क्या दिया, संपादन किया। ठीक है, फिर आता मार्क्स ने इकोनॉमिक्स ऑफ यानी इकोनॉमिक ऑफ फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी कौन, यानी कि इसकी जो कौन लिखी गई है, लिख लीजिए इकोनॉमी, ये जो पूछे जाते हैं यही सबसे ज़्यादा क्या है, ख़तरनाक से हैं, जो आपसे क्या है बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, और यहीं पर आके बच्चे क्या हो जाते हैं, याद नहीं आती या फिर भूल जाते हैं जब पेपर में होता है, तो ये सब चीज़ें मैन्यूस्क्रिप्ट MANUSCRIPT। ठीक है, आई कब, 1844 में। ठीक है, चलिए अब आता है मार्क्स के अनुसार अलगाववादी को हम निम्न रूप में देखते हैं, किस में देखते हैं, निम्न रूप में देखते हैं। पहला आता है उत्पादक, लिख लीजिए, इसे भी लिखिए, यानी कि इसमें क्या कहा है, मार्क्स के अनुसार अलगाववाद को हम निम्न रूप में देखते हैं। पहला क्या है, उत्पादन से अलगाव। दूसरा क्या है, प्रकृति से। तीसरा क्या है आपका, समाज से। और चौथा क्या है, स्वयं से। तो ये क्या है, अलगाव। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है युवा मार्क्स, और यानी कि युवा मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक मार्क्स, यानी कि वैज्ञानिक मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है, वैज्ञानिक मार्क्स में क्या कहता है, मार्क्स वास्तविक रूप को समाजवादी के पिता है, यानी कि मार्क्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, CIM जोड़ के अनुसार सार मार्क्स वास्तविक रूप में समाजवाद के पिता
ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ऐतिहासिक में यानी कि ऐतिहासिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐतिहासिक यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद में क्या है उसकी जो यानी कि मार्क्स ने अपनी रचना में जो कहा है कॉन्सेप्ट उसके बारे में बताया गया, ज़्यादा कुछ खास इतना है नहीं। फिर आते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं आर्थिक यानी कि आर्थिक जो आर्थिकता की बात करते हैं मार्क्स ने क्या कहा है। मार्क्स ने पूंजी यानी कि पूंजी को संगठित श्रम कहा है। क्या कहा है? संगठित श्रम कहा है। मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को विश्लेषण का केंद्र बनाया गया है। क्या बनाया? केंद्र बनाया। मार्क्स के अनुसार समाज संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। धर्म, राज्य, विचारधारा व सरकार आदि संरचना क्या है का भाग है। इसका भाग क्या है? संरचना यानी अर्थव्यवस्था का भाग बताया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है छोटे 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 कॉन्सेप्ट भी आजकल जो है आपके राज्य के बारे में क्या कहता है, यानी कि राज्य के बारे में मार्क्स कहता है। मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग यंत्र है। क्या है? वर्ग यंत्र है। राज्य को शोषण का यंत्र है, यानी राज्य क्या है? राज्य शोषण का यंत्र है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, यानी कि और आगे क्या कहता है, राज्य की उत्पत्ति समाज के विचार के एक विशेष रूप से हुई है। क्या कहे? एक विशेष रूप, जबकि अन्य यानी कि और जो रचनाओं में बताया क्या है, आर्थिक नीतिवाद संबंधित विचार के बारे में बताया। चलिए और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपका। वैज्ञानिक समाजवाद, यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद में क्या कहता है उसने, यानी कि समाजवाद का विचार मार्क्स ने यानी कि निर्माता नहीं किया, यानी एक तरह से जो क्या है जो निर्माता के रूप में या फिर एक तरह से निर्मित की बात करता है, जो निर्माण करने वाला है उसमें क्या है जो समाजवाद है, समाजवाद का विचार क्या है मार्क्स ने निर्मित नहीं किया है, बल्कि समाजवाद को वैज्ञानिक क्या कहा है, वैज्ञानिक व्याख्या की है। अतः लास्की के अनुसार मार्क्स ने समाजवाद विचारकों को यानी समाजवाद विचारक जो विचार वाले थे उनको क्या कहें व्यवस्थित आंदोलन के रूप में प्रदान किया है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपका इसके मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट में। मार्क्सवादी और विकासवादियों के जो यानी समाजवादियों के अंतर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चले हैं, तो उसको हमें अंतर वाला कॉन्सेप्ट समझ यानी कि पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि अंतर वाले कॉन्सेप्ट में आजकल क्वेश्चन जो आपने देखे हैं वो इतने मिलते नहीं हैं। जो मिलते हैं मार्क्स के जो आलोचना है राज्य के बारे में वो उसके ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं, तो वही क्वेश्चन आपके घूम फिर के आपके आते हैं। फिर आता है मार्क्स के आलोचना के बाद, आलोचना में इसमें आ जाएगा, इसमें लिख लीजिए आलोचना वाले जो कॉन्सेप्ट है यानी कि मार्क्स के आलोचक, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा मिखाइल बाकुनिन नामक राज्यतावादी ने अपनी पुस्तक स्टेशनम एंड एनोरेची 1873 में मार्क्सवादी मान्यता का खंडन करती है, खंडन किया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक है। अब आते हैं मार्क्स की यानी कि जो रचना है उसके बारे में बताते हैं, यानी कि रचना तो आपको बताइए और रचना जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं आपको सारी लिखवा दूंगा, क्योंकि रचना जो है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट आती है। तो सबसे पहले लिख लीजिए युवावस्थावादी, तो आपको मैंने लिखवा दी, फिर आती है आपकी, लिख लीजिए। अब रचनाओं पे आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट आपका रचना यानी कि रचनाएं, ठीक है, रचनाएं लिखिए। सबसे पहली आपको जो यानी कि युवावस्था वाली लिखवा दी, फिर इसके बाद लिखिए द जर्मनी आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी Uh,
आई डे आइडियालॉजी 1845, ठीक है। फिर दूसरी क्या आ जाएगी, दास कैपिटल, दास सी ए पी पीटल, तीन खंड है इसके, 1876, 1885 एंड 1895, तीन खंडों में प्रकाशित हुई थी, यानी कि तीन खंडों में प्रकाशित हुई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। फिर आपकी एक इम्पोर्टेंट जो आती है, द सिविल वार इन फ्रेंच, ठीक है, 1871। अन्य रचनाओं में, अन्य रचनाओं में आपकी आ जाती है, एक लिख लीजिए, द पोवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, द होली फैमिली 1845। तो ये क्या है, यानी कि रचनाएं थी, और ये आपका क्या है, पूरा का पूरा मार्क्स का चैप्टर खत्म हो गया, यानी काल मार्क्स आपका खत्म हो गया। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।